हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत देरों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से बहुत बिज़ी थी। आज मेरे घर में पूजा है क्योंकि मेरा कल बर्थडे है, तो फिर आज सब लोग रेडी हो गए हैं क्योंकि आज पंडित जी आने वाले हैं। पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं, ये खाना आना सब रेडी हो रहा है क्योंकि पंडित जी के लिए खाना आना बन रहा है। आज हम लोग रात भर सो ही नहीं है क्योंकि हम लोगों ने सब्जी कट करी थी और क्योंकि मेवा वेवा भी कट करनी थी, पूजा की तैयारी करनी थी, सामान भी लाना था बाहर से, तो बहुत बिज़ी थे हम लोग। लेकिन अब फाइनली हम सब कुछ आ चुका है और बस पंडित जी का वेट हो रहा है क्योंकि सब तैयारियां हो चुकी हैं पूजा की। चलिए, इंतजार की घड़ी ख़त्म होती है, पंडित जी आ चुके हैं, अब पूजा स्टार्ट होने वाली है। अभी कुछ टाइम बाद पूजा स्टार्ट होने वाली है क्योंकि तैयारियां हो रही हैं। फाइनली पूजा हो चुकी है, अब पंडित जी का खाना लगने वाला है और सब लोग भी खाना खाएंगे। तो ये पूड़ी जो देख रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशल पूड़ी जो आपने कभी नहीं खाई होंगी, ये मेरी मम्मी की स्पेशल डिश है जो मैं आपको ज़रूर डालूंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, इनमें जो गुड़ का स्वाद होता है पूड़ी में, और ये अन्नकूट की सब्ज़ी है। कहते हैं प्रसाद का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है क्योंकि भगवान का भोग लगा हुआ होता है। पूजा के बाद अब शाम को मैं तो अपनी केक कटिंग में जो मैं ड्रेस पहनूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये देखिए, ये ड्रेस मैं शाम को जब केक कट करूँगी तब मैं ये ड्रेस पहनूंगी। ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है। देखिए, ये हैमर केक, ये पिनाटा केक है जो बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए काजू। मैंने शॉपिंग जम कर की है क्योंकि मैंने जो केक कटिंग के लिए अलग ड्रेस ली है और जो मैं कल पार्टी में पहनूंगी वो मेरी बेस्ट ड्रेस, वो मेरी फेवरेट ड्रेस है, जो वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। सीरियसली मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना बेस्ट सरप्राइज मिलेगा क्योंकि मेरे सामने सबने रिएक्ट कर दिया था क्योंकि सब लोगों ने मेरा बर्थडे भूल ही गए थे, लोगों ने ऐसा रिएक्ट किया, लेकिन मुझे इतना अच्छा सरप्राइज मिलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था क्योंकि मुझे तो यही लग रहा था कि ये लोग सब मेरा बर्थडे भूल गए हैं, लेकिन कोई मेरा बर्थडे नहीं भूला, सब एक्टिंग कर रहे थे, सब मेरे लिए एक अलग से सरप्राइज प्लान कर रहे थे जो मुझे बहुत ही बेस्ट लगा। और कल जो इन लोगों ने पार्टी रखी है मेरे लिए वो भी मेरा सरप्राइज़ है, जो इन्होंने अभी ओपन नहीं किया है कि ये लोग मुझे कहाँ लेके जाएंगे। तो जब ये सरप्राइज़ अच्छा है तो कल का सरप्राइज़ भी बहुत बेस्ट होगा।
देखिए ये सब सरप्राइज़ तो मैंने देख लिया, लेकिन कल का सरप्राइज़ देखने के लिए आपको मेरा दूसरा ब्लॉग ज़रूर देखना पड़ेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।